नमस्कार, यस डाटा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। जाड़े का और सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं लोगों को तमाम गर्म कपड़े और ओढ़ने और बिछाने के लिए तमाम चीज़ें हैं उसकी ज़रूरत शुरू हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए तमाम जगह बरेली में जगह जगह आपको लोगों पर जो तमाम चीज़ें हैं वो ओढ़ने की खासतौर से वो नज़र आती हैं। इसी की वजह से हम रामपुर गार्डन से सटे हुए एक इलाके में मौजूद हैं जहाँ पर मैं सबसे पहले नज़ारा भी दिखाना चाहता हूँ कि पीछे का नज़ारा है। यहाँ पर तमाम रोडों पर इस तरह से जो हम अपनी ज़ुबान में रज़ाई बोलते हैं फाइबर की वो मिलती हैं। ये रज़ाई जैसे है जो मुझे बताई कि दोनों तरफ से आप ओढ़ सकते हैं। ज़रा इसको लौट के दिखाइए, दोनों तरफ से इधर से भी इसको ओढ़ सकते हैं। डबल है और इसकी कीमत वगैरह भी हम सब पूछेंगे एक एक करके। ये देखिए दूर से लगे और इसके अलावा यहाँ के अलावा एक और दुकान है और दूर से लगा आप देखें तमाम लोग काम करते हैं। लेकिन काम पर कैसा असर पड़ा है, क्या है, कैसा काम चल रहा है थोड़ा हमें बताएँ सर। काम कुछ ज़्यादा खास नहीं, बस ये है कि थोड़ा बहुत बस जैसा चलता था वैसा नहीं। अच्छा, तो ये भी हमने फाइबर का एक देखा, कितनी कीमत है इसकी? अरे सर कीमत तो बहुत है लेकिन बस ये है कि बस ये वैसे बताने वाले तो 3500 रुपये है लेकिन जो है 2500। डबल है ये? डबल बेड की यहाँ फुल साइज। अच्छा, फुल साइज मान ली, ठीक है। और आप बताएं कैसा चल रहा है सब चीज़ें? ऐसी आ रहे हैं लेकिन इतना नहीं है जितने पिछले साल आते हैं। इस साल उतना मतलब कमाई नहीं है क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा आदमी मजबूर हो गया ना। अच्छा, और ये सीज़न मुश्किल अगर हम देखें जनवरी तक का रहता है? हाँ, जनवरी लास्ट तक रहेगा बस। अच्छा, उसके बाद तो डाउन हो जाता है, रेट गिर जाते हैं ना। अभी आज तक गाड़ी फुल मोट बन जाती है। कहाँ से लाते हैं? आता तो ये पानी पर से लुधियाना से अमृतसर से वगैरह भी आता है। अच्छा, नहीं वहीं से सब टोटल बनता वहीं से आता है। अच्छा, इस बार तो सामान आने की भी दिक्कत रही बहुत? हाँ, सामान आने में दिक्कत भी बहुत रही। हाँ, अभी तो फिलहाल नहीं दिक्कत है लेकिन शुरू में दिक्कत हुई। ग्राहक वगैरह कम है? ग्राहक ऐसे आ रहे हैं मतलब कोई एक दो पीस ले जाने वाले आते हैं तो 50 पूछने वाले आते हैं कितने का नहीं है, देख रेट पूछ के कल आऊँगा ये बताते हैं सब। बाकी दुकानदारी तो इस साल तो बिल्कुल डाउन हो गई, समझ लो बिल्कुल लो है। अभी थोड़ा बोला सही चल रहा नहीं, सही है, सही होता तो फिर बात ही क्या है। आप देखो इतनी देर से खड़े हुए हैं यहाँ पे, अभी कस्टमर देर हो गई खड़े, कस्टमर आप इतनी देर से खड़े हैं, इतनी देर में कितने कस्टमर आए आपको देख? हाँ, काम पे असर, काम पे बहुत ज़्यादा असर है। अहम बात ये बैग अभी अभी ले रही है, बैग रखा बताओ आप। लोग यही लेटते भी यही है जो काम करते हैं, जो इसका काम करते हैं वो यही लेट जाते हैं। और सही काम कैसा चल रहा सर? बहुत बढ़िया है। हाँ, कितने की है ये जो दे रहे हैं? बहुत हल्का है काम, इस बार ग्राहक कम आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं। अच्छा, और आदमी तो परेशान है। हाँ, पैसे नहीं है लोगों पे तो खरीदें क्या? नहीं, बात तो यही है, बहुत हल्का है। आप क्या खरीदेंगे? नंबर खरीदिए, कितने का है ये? ये 550 का दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है, चलिए। तो ये सारा दूर तलक आप नज़र डालेंगे इस तरह का लोग ये व्यापार करते हैं, काम करते हैं। नजरिया है जाड़ों में बड़ा है। इधर आइए, इधर बताइए आप। इधर आइए, अरे आइए आइए, अरे आइए आइए, इधर इसमें बताएंगे कितने का आइए। हमें कितने का दोगे? पैसा ही मत दो। ऐसा मत को यार, लग जा रहा। बता बता कैसे काम चल रहा है? बहुत बेकार चल रहा है, बहुत मच्छा मजा नहीं रहा। रातों दिन सो रहे हैं। हाँ, अच्छा, काम तो मतलब कुछ भी नहीं है, ग्राहक कम आ रहे हैं, कस्टमर आई ही है। अच्छा, देखने वाले वाले ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा, तमाम चीजें हैं और ये पूरा इधर दुकान है, इधर है और आगे भी है, ये पूरा इलाका है। और रामपुर गार्डन जो है वो यहाँ पर करीब में पड़ता है, आप पैदल यहाँ पर जा सकते हैं। फिलहाल जाड़ों में एक बड़ा व्यापार होता है बरेली में, लेकिन इस बार
कोरोना काल में जाड़े के व्यापार पर भी बड़ा असर पड़ा है, और जाड़ों में अहम बात यह कि ये लोग यहाँ पर अपना डेरा डाल लेते हैं और रहते हैं और चार पैसे कमाते हैं। लेकिन इस बार इस काम पर भी जो जाड़े में कपड़े का काम होता है, ओढ़ने बिछाने का काम होता है, रजाई होती है और जो कंबल होते हैं, उसका भी बड़ा असर पड़ा है। और फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरदार हुसैन के साथ, जय जवाहर न्यूज़।